वेलकम बैक फ्रेंड्स। वर्किंग कैपिटल क्रेडिट एस्टिमेट में आज हमारा जो टॉपिक रहेगा वो रहेगा इंटरेस्ट ऑफ रेट के बारे में। हमने इन डेप्थ जानना है कि ये जो हम लोन्स लेते हैं बैंक्स के अंदर, तो उसका रेट ऑफ इंटरेस्ट बैंक कैसे डिसाइड करता है और हम क्यों उनको वो रेट ऑफ इंटरेस्ट पे करते हैं, क्या फैक्टर्स होते हैं जो उसको अफेक्ट करते हैं। तो आज हमने रेट ऑफ इंटरेस्ट के बारे में बहुत डिटेल से पढ़ लेना है। तो रेट ऑफ इंटरेस्ट के बारे में तो मैंने आपको जो पढ़ाना है वो तो पढ़ाना ही है, उसके साथ साथ मैं आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट की जो पुरानी हिस्ट्री रही है कि कैसे रेट ऑफ इंटरेस्ट के कैलकुलेट करने के तरीके बदलते आ रहे हैं इंडिया के अंदर, वो सारी हिस्ट्री प्लस जो प्रेजेंट है प्लस जो फ्यूचर दिख रहा है आने वाला, वो सारी चीजें आपको यहाँ पे प्रेजेंट करना चाहूंगा। राइट, तो जो आज का हमारा टॉपिक रहेगा वो रहेगा बेंचमार्क रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या होता है, इंटरेस्ट रेट फिक्सिंग कैसे होती है और इंटरेस्ट रेट की हिस्ट्री क्या है बैंकिंग के अंदर। तो मेनली जो हमने कवर करनी है वो इंडियन मार्केट कवर करनी है अपने पास। तो सबसे पहले इंटरेस्ट रेट की हिस्ट्री को या कुछ भी खंगालने से पहले पहले हमने ये सोच रहे हैं कि इंटरेस्ट रेट बैंक बनाता कैसे है। देखिए ये एक बैंक है, दिस इज अ बैंक, ये एक बैंक है। अब बैंक का क्या काम होता है, जो बैंक होता है वो पैसे उसके पास कहीं से आते हैं, उसके पास मनी आती है और वो बनी आगे आप लोगों को बांट देता है पब्लिक में एज अ लोन। ठीक है, तो जो उसको पैसा आता है उस पैसे को लेने से के बदले उसको इन लोगों को कुछ पे करना पड़ता है, इन लोगों को कुछ पे करना पड़ता है और ये जो पेमेंट करनी है उसको, ये पेमेंट का पैसा उसके पास कहां से आएगा, वो जो आपको लोन दे रहा है उस लोन के ऊपर आप जो उसको पे करेंगे वो आपसे लेके वो इनको दे देगा आपसे इंटरेस्ट, आप उसको इंटरेस्ट पे करेंगे, ये भी आगे उनको इंटरेस्ट या जो उनकी रिटर्न बनती है या जो उनका राइट बनता है वो उनको वापस करेगा। तो जो नेटशेल में ये बेनिफिट कमाएगा इन दोनों चीजों में, अगर आपसे उसने 9% चार्ज कर लिया और सामने वाले को 7% दिया तो 2% का इसका प्रॉफिट हो जाएगा, 2% का इसका प्रॉफिट हो जाएगा। तो इस तरह से बैंकिंग काम करती है। राइट, तो अब ये तो कहेंगे कि सर ये तो हमें पता ही है कि इसमें तो कोई नई बात है नहीं, ये तो पढ़ते ही आ रहे हैं कब से। तो अभी हम इसको थोड़ा सा इनडेप्थ देखने वाले हैं आज के लेक्चर में। तो देखिए कैसे, अब एक बैंक है उसके पास सोर्स ऑफ फंड्स क्या है, उसके पास पैसा कहां से आ रहा है। देखिए सबसे जनरल और सबसे कॉमन जो सोर्स ऑफ फंड है वो है लोग, आम जनता, पब्लिक। देखिए पब्लिक से उसको पैसा मिलता है, पब्लिक उसको किस रूप में पैसा दे रही है, जैसे सेविंग अकाउंट खोल लिए अपने, वहां पे आपने वहां पे FDs करा दी, आपने वहां पे करंट अकाउंट खोल लिए, आपके करंट अकाउंट के शेप में वहां पे पैसा पड़ा हुआ है। तो ये सबसे उसका प्राइमरी सोर्स ऑफ फंड रेजिंग फंड्स होता है। जो ये नॉर्मल पब्लिक है ये इसका बैंक का प्राइमरी सोर्स ऑफ फंड्स होता है, प्राइमरी सोर्स ऑफ फंड्स। इसको बैंक की हम कासा परसेंटेज भी बोलते हैं, कासा परसेंटेज, मतलब FDs नहीं आती इसमें, कासा मीन्स करंट अकाउंट सेविंग अकाउंट। कि अगर एक बैंक का कासा परसेंटेज बहुत अच्छा है, जैसे HDFC बैंक का, कोटक का, आई थिंक 50% प्लस कासा परसेंटेज आउट ऑफ देयर टोटल सोर्स ऑफ फंड्स, तो दैट मींस ये बैंक के लिए अच्छा है। देखिए आप अगर बैंक को सेविंग अकाउंट खुलवाते हैं, FDs खुलवाते हैं, तो आपको बैंक, देखिए अगर आपने ये पैसा बैंक को दिया, तो बैंक आपको कुछ देगा इसके बदले में, तो वो क्या देता है आपको, ब्याज देता है सेविंग के ऊपर। जैसे आपको 3% ब्याज दे दिया, 3.5% ब्याज दे दिया, FD के ऊपर 5 से 5.5% ब्याज दे दिया, करंट अकाउंट्स के ऊपर तो मतलब उतना ही है। तो इस तरह से वो बैंक आपको पे करता है आपके इन फंड्स के बदले। तो ये एक हो जाती है उसकी कॉस्ट ऑफ फंड्स, ये क्या है इसकी कॉस्ट ऑफ फंड्स। ठीक है, उसके बाद आ जाते हैं इसके शेयर्स। अब देखिए बैंक शेयर भी तो इशू करता है मार्केट के अंदर, तो जो उसके शेयर्स हैं उसमें प्रमोटर्स जो हैं, जिन्होंने बैंक को बनाया है, जो मालिक हैं बैंक के, ठीक है, मालिक इन द सेंस बुकिश मालिक नहीं, जो मालिक है, जो प्रमोटर है बैंक के, उन्होंने पैसा लगाया हुआ है, वहां से बैंक के पास पैसा आता है। और जो लोग, आप लोगों ने सेविंग में, FD में के रूप में तो पैसा लगा दिया, पर आप बैंक के शेयर भी तो खरीदते हैं, जब आप शेयर खरीदते हैं तो तब भी तो आपका पैसा बैंक के अंदर लगता है, तब भी तो आपका पैसा बैंक के अंदर इन्वेस्ट होता है। तो जो ये प्रमोटर्स हैं ये भी शेयर्स के रूप में ही पैसा इन्वेस्ट करते हैं और आप लोग भी शेयर होल्डिंग के रूप में ही पैसा इन्वेस्ट करते हैं। तो बैंक आप दोनों को क्या पे करता है, प्रमोटर्स को और आपको, रिटर्न ऑन इक्विटी। आपकी जो आपने जो शेयर होल्डिंग ली है वो इक्विटी है, तो रिटर्न ऑन इक्विटी जो भी बनती होगी बैंक टू बैंक वेरी करती है,
वो रिटर्न और इक्विटी आपको पे करता है इसके बदले। इसके अलावा बैंक आरबीआई से बोरो कर सकता है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया भी तो बैंक्स को लोन देता है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया भी से तो भी तो बैंक लोन लेता है ना। तो ये तो आपने सुना होगा कि जब रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया बैंक को लोन देता है तो जो बैंक उसको पे करते हैं, जो बैंक उसको इंटरेस्ट पे करते हैं, उसको क्या बोलते हैं हम लोग, रेपो रेट। उसको क्या बोलते हैं हम लोग, रेपो रेट। जो रेट ऑफ इंटरेस्ट पे आरबीआई दूसरे बैंक्स को उनकी फंडिंग रिक्वायरमेंट को सॉल्व करने के लिए लोन देता है, उसके ऊपर जो ब्याज पे किया जाता है उसको बोलते हैं हम रेपो रेट। तो बैंक आरबीआई को क्या पे करता है, रेपो रेट। देखिए आपकी सेविंग्स के ऊपर सेविंग इंटरेस्ट हो गया, एफडी के ऊपर एफडी इंटरेस्ट हो गया, जो शेयर होल्डर्स हैं उनके ऊपर रिटर्न ऑन इक्विटी हो गई, जो आरबीआई है उनको रेपो रेट पे कर दिया, और इसके अलावा कुछ और जैसे म्यूचुअल फंड्स कंपनीज हैं, इंश्योरेंस कंपनी है, या और कोई फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हैं, या दूसरे बैंक्स भी, एनी अदर बैंक्स भी अपने दूसरे बैंक्स की, जैसे एचडीएफसी ने आईसीआईसीआई को कुछ फंड्स दे दिए, आईसीआईसीआई ने एचडीएफसी को कुछ फंड्स दे दिए, तो इस तरह से ये आपस में भी शॉर्ट टर्म रिक्वायरमेंट्स या लॉन्ग टर्म रिक्वायरमेंट्स जो है, शॉर्ट टर्म या लॉन्ग टर्म रिक्वायरमेंट्स जो है वो आपस में एक दूसरे को भी सपोर्ट करके शॉर्ट टर्म या लॉन्ग टर्म फंड रिक्वायरमेंट्स जो है ये भी एक दूसरे को पैसा देके ये फुलफिल आपस में करते रहते हैं बैंक्स। ठीक है, तो इनको भी बैंक क्या पे करता है, इंटरेस्ट। इनको भी बैंक क्या पे करता है, इंटरेस्ट। ठीक है, तो जो ये सारा उसका इंटरेस्ट का बर्डन हो गया, किस चीज का बर्डन, सेविंग का इंटरेस्ट हो गया फॉर एग्जाम्पल, एफडीज का इंटरेस्ट हो गया फॉर एग्जाम्पल, या कोई भी और अकाउंट्स का इंटरेस्ट हो गया, फॉर प्लस आपकी रिटर्न ऑन इक्विटी हो गई, रिटर्न ऑन इक्विटी जो इन लोगों को दी है, रिटर्न ऑन इक्विटी हो गई, प्लस जो रेपो रेट का खर्चा हो गया, रेपो रेट के ऊपर जो आरबीआई को ब्याज दिया, ठीक है, ये इसकी बैंक की कॉस्ट ऑफ फंड्स हो गई, कॉस्ट ऑफ फंड्स हो गई कि इतने इतने नेट उसने खर्चे के ऊपर, या जो एवरेज रेट है, या जो भी रेट लगा लीजिए, इस खर्चे के ऊपर बैंक ने बाहर से पैसा उठाया है लोगों से, इस रेट ऑफ इंटरेस्ट पे, इतनी कॉस्ट पे बैंक ने पैसा इकट्ठा किया है। ठीक है, प्लस बैंक इसमें क्या ऐड कर सकता है, बैंक कहता है कि मेरी जो ऑपरेटिंग कॉस्ट है, अब ऑपरेटिंग कॉस्ट मीन्स इलेक्ट्रिसिटी का खर्चा हो रहा है बैंक में, इतनी सारी ब्रांचें खुली हुई हैं, ब्रांचेस का रेंट जा रहा है, जो रेंट पे खुली हुई है, जो इतना सारा स्टाफ बैठा है, स्टाफ की सैलरी जा रही है, या एनी अदर कई भी तरह के सर्विस चार्जेस, कोई भी और तरह के खर्चे हैं बैंक के, तो वो बैंक की ऑपरेटिंग कॉस्ट भी इन्वॉल्व रहती है बैंक के अंदर, प्लस बैंक की अपॉर्चुनिटी कॉस्ट रहती है। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट मीन्स फॉर एग्जाम्पल जो आरबीआई है, आरबीआई के पास एक सीआरआर रिक्वायरमेंट होती है, एक एसएलआर रिक्वायरमेंट भी होती है, एक सीआरआर रिक्वायरमेंट भी होती है। सीआरआर रिक्वायरमेंट मीन्स करंट रिजर्व रेशियो। तो बैंक्स को कुछ परसेंटेज ऑफ देयर मनी हार्ड कैश मेंटेन करना पड़ता है आरबीआई के पास, हार्ड कैश मेंटेन करना पड़ता है आरबीआई के पास। तो आरबीआई इसके ऊपर बैंक को कोई ब्याज नहीं देता। देखिए, ये बैंक्स ने आरबीआई के पास कुछ हार्ड कैश मेंटेन करना पड़ता है, इस हार्ड कैश के ऊपर आरबीआई उनको कोई ब्याज नहीं देता। ये आरबीआई की मिनिमम रिक्वायरमेंट है कि आपको एक कॉन्टिजेंसी फंड हमारे पास रखने ही रखने हैं हार्ड कैश के रूप में। तो जो अगर ये बैंक ये हार्ड कैश आरबीआई के पास ना रखता, अगर ये इनके पास ना रखता, तो ये इनका क्या करता, तो बैंक इनके पास ना रख के ये लोन्स के रूप में लोगों को दे देता, ये लोगों को दे देता लोन्स के रूप में, और लोगों को लोन्स के रूप में देता तो क्या कमाता इसके ऊपर, इंटरेस्ट रेट की कमाई करता, इंटरेस्ट रेट की कमाई करता। तो क्योंकि कैश रिजर्व रेशियो या स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो पिक्चर में आ गई, और बैंक को ये पैसा आरबीआई के पास रखना पड़ गया, जिसके ऊपर ये पैसा इतना इंटरेस्ट रेट कमा सकता था, तो जो ये इसको इंटरेस्ट रेट का नुकसान हुआ इसकी वजह से, इसको बोलते हैं अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। ये अपॉर्चुनिटी कॉस्ट भी अपने ये इस खर्चे में ऐड कर लेगा। ठीक है, तो इस तरह से उसकी टोटल बैंक की कॉस्ट निकल के आ जाती है, उस टोटल कॉस्ट को, उस टोटल कॉस्ट के ऊपर बैंक एक प्रॉफिट मार्जिन ऐड करता है, जिसको हम स्प्रेड बोलते हैं। ठीक है, जो प्रॉफिट मार्जिन ऐड कर दिया, उसके बाद जो फाइनल निकल के आया, दैट इज द इंटरेस्ट रेट दैट बैंक चार्जेस फ्रॉम यू पीपल, फ्रॉम अस, फ्रॉम मी एज वेल, जो बैंक चार्ज करता है इंटरेस्ट रेट। तो बैंक अपनी सारी जो फंड्स इकट्ठा की है उनकी कॉस्टिंग निकालता है, अपनी ऑपरेटिंग कॉस्ट निकालता है, अपनी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट निकालता है, फिर उसके ऊपर जो अपना प्रॉफिट कमाने का टारगेट है वो ऐड करता है, तो उसके बाद जो इंटरेस्ट रेट निकल के आता है वो हमसे बैंक अल्टीमेटली चार्ज कर लेता है।
ठीक है, तो ये पिक्चर आपको क्लियर होगी कि हाँ भी बैंक किस तरह से इंटरेस्ट रेट की अपनी कंपटीशन कर रहा है। अब देखिए जो इंटरेस्ट रेट्स होते हैं वो दो तरह के इंटरेस्ट रेट्स जो है वो प्रचलन में है, जो प्रचलन मींस जो दो तरह के इंटरेस्ट रेट मार्केट में चलते हैं वो कौन कौन से हैं, एक तो है फिक्स्ड इंटरेस्ट रेट और एक है फ्लोटिंग इंटरेस्ट रेट। फिक्स्ड इंटरेस्ट रेट एंड फ्लोटिंग इंटरेस्ट रेट, देखिए इंटरेस्ट रेट का जो इंटरेस्ट रेट लगना आपको इसी तरह से ही है, वो बैंक ने कैलकुलेट तो ऐसे ही करना है कि भाई मेरा मेरे को टोटल खर्चा कितना पड़ रहा है और मेरे को कमाना कितना है, उसके बाद मैंने क्या चार्ज करना है। अब बस डिफरेंस इतना रही, डिफरेंस इसमें ये रहता है कि जो फिक्स इंटरेस्ट रेट रहता है उसमें बैंक ने जो एक बार बोल दिया, जो एक बार बोल दिया, जो एक बार वन टाइम जो उसने आपको कोट कर दिया, जो एक बार रेट उसने आपको कोट कर दिया, वही आपको टिल द एंड ऑफ टेन्योर ऑफ द लोन यही आपको चार्ज होता रहेगा। तो ये आपको जब बैंक से लोन लेने जाओ तो तब आपको पहले ही पूछना है, पहले उनसे बात करनी है कि हम फिक्स रेट ऑफ इंटरेस्ट लगा रहे हैं या चेंजिंग वाला लगा रहे हैं, तो वो आपको समझा देंगे। नॉर्मली फिक्स रेट ऑफ इंटरेस्ट कम ही लगता है, तो ये आपको जैसे 9% दे दिया तो आपका अगर 5 साल का लोन है, 5 ईयर्स का लोन है, तो 5 साल तक 9% ही रहेगा, तो 9% से ये चेंज नहीं हो सकता। ठीक है, सिमिलर कॉन्सेप्ट मैंने आपको पीछे करेंसी स्वैप्स या इंटरेस्ट रेट स्वैप्स, आई डोंट नो, इंटरेस्ट रेट स्वैप्स वाले लेक्चर में भी समझाया होगा, राइट। तो ये होता है फिक्स, जो आपको फिक्स दे रही है। अब फ्लोटिंग रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या होता है, आज का जो हमारा जो फोकस एरिया था उसमें से एक पॉइंट तो मैंने आपको कवर करवा दिया कि इंटरेस्ट रेट के लिए बैंक क्या क्या देख रहा है। अब जो सेकेंड पार्ट पोर्शन हमारा जो फोकस एरिया है वो है फ्लोटिंग रेट ऑफ इंटरेस्ट। फ्लोटिंग रेट ऑफ इंटरेस्ट का मीन होता है वो रेट ऑफ इंटरेस्ट जो मार्केट के हिसाब से चेंज होता रहता है, चेंज होता रहता है। इसमें आपको फिक्स नहीं पता रहता कि फिक्स क्या रहेगा मेरा, ये चेंज होता रहता है टाइम के साथ साथ, मार्केट के साथ साथ। ठीक है, तो ये चेंज होता रहता है, क्यों चेंज होता रहता है, क्योंकि ये किसी बेंचमार्क के ऊपर बेस रहता है। बेंचमार्क का क्या मतलब क्या होता है, बेंचमार्क मींस एक आइडल यानी कि एक स्तंभ बोल लीजिए, एक आइडल बोल लीजिए, या एक मिनिमम क्रिटेरिया बोल लीजिए, मिनिमम क्रिटेरिया बोल सकते हैं, क्रिटेरिया वर्ड भी पूरा एक्यूरेट नहीं है, कि एक मिनिमम सॉलिड बेस जो बोल सकते हैं हम, मिनिमम बेस जो है उसके ऊपर ये डिटरमाइन करता है। मिनिमम बेस का क्या मतलब है कि जो मिनिमम बेस होता है, व्हाट इज मिनिमम बेस या बेंचमार्क, ये मिनिमम बेस क्या होता है, इट इज दैट ROI which must be charged on minimum side। बैंक आपको ये चार्ज करेगा ही करेगा, जो आपका मिनिमम बेस रेट बेंचमार्क रेट होगा, जब मिनिमम बेस रेट होगा वो बैंक आपको चार्ज करेगा ही करेगा, प्लस आपको स्प्रेड चार्ज करेगा। स्प्रेड आपका जैसे अब ये जो मिनिमम बेस रेट होता है या जो मिनिमम बेस रेट होता है या जो बेंचमार्क होता है, जो फ्लोटिंग रेट ऑफ इंटरेस्ट होता है, दैट मिनिमम बेस रेट कीप्स ऑन चेंजिंग टाइम टू टाइम। जो बेस रेट होता है आपका जिसके ऊपर बैंक आगे चार्ज करता है वो चेंज होता रहता है, जबकि जो ये स्प्रेड होता है ये नॉर्मली मोस्ट ऑफ द केसेस में नॉर्मली रिमेन्स स्टेगनेंट। ये स्प्रेड जो है ये चेंज नहीं होता, अनलेस एंड अनटिल आपने बैंक को बहुत ज्यादा नाराज कर दिया, आपने रीपेमेंट बिहेवियर से टाइम पे रीपेमेंट नहीं कर रहे तो बैंक को लग रहा है कि भाई इस बंदे को तो हमने ज्यादा रेट ऑफ इंटरेस्ट चार्ज करना है, तो स्प्रेड चार्ज कर लेता है आपसे ज्यादा। तो जैसे मान लीजिए कोई मिनिमम बेंचमार्क है 4% का, मिनिमम बेंचमार्क है जो मिनिमम रेट है वो आज की डेट में चल रहा है 4%, और बैंक ने आपका स्प्रेड फिक्स किया है कि मिनिमम रेट या बेंचमार्क रेट +2%, तो +2% आपका स्प्रेड रहेगा, तो ये हो जाएगा आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट टोटल 6%। अगर मान लीजिए 6 महीने बाद ये 4 से 4.5 हो गया, ये 4.5 हो गया, तो ये आपका रहेगा 2% ही, तो बैंक आपको नया इंटरेस्ट क्या लगाएगा, 6.5%। तो ये जो मिनिमम बेंचमार्क रेट है ये दैट कीप्स ऑन चेंजिंग टाइम टू टाइम, राइट। तो हमने आज इस बेंचमार्क के बारे में सीखना है कि इंडिया में इस बेंचमार्क की क्या हिस्ट्री रही है, इंडिया कौन से बेंचमार्क फॉलो पहले करता आ रहा था, आज क्या फॉलो कर रहा है, और फ्यूचर क्या दिख रहा है उन बेंचमार्क्स का, आज हमने इसके बारे में बहुत डिटेल में पढ़ना है। तो देखिए अब हम इंडियन मार्केट के ऊपर आ रहे हैं।
इंडियन मार्केट के ऊपर आ रहे हैं, आप ध्यान से देखिएगा। देखिए, बेंचमार्क फॉर फ्लोटिंग रेट ऑफ इंटरेस्ट लोन्स इन इंडिया। अब इंडिया क्या बेंचमार्क फॉलो कर रहा है अपने फ्लोटिंग रेट ऑफ इंटरेस्ट के लिए? अब पहले वो इसको दो पार्ट्स में मैंने डिवाइड किया। एक तो बेंचमार्क भारत ने डिसाइड कर लिया इंटरनल बेंचमार्क, राइट। एक भारत ने डिसाइड कर लिया एक्सटर्नल बेंचमार्क, एक्सटर्नल बेंचमार्क, ठीक है। इंटरनल बेंचमार्क का क्या मतलब है कि इसमें भारत सरकार या आरबीआई कह रहा है कि हर एक बैंक अपना अपना घर देखे, अपना अपना घर देखे। बैंक को वो बोल रहे हैं कि भाई आप अपनी कीमत आप जानो। देखिए, आप पैसा लोगों से इकट्ठा कर रहे हैं, आप अपने बैंक को रन कर रहे हैं, आपका क्लाइंट है, ठीक है, आपने उनको लोन देना है, आपने अपना बिजनेस बढ़ाना है, तो आप अपना बेंचमार्क खुद ही डिसाइड कर लीजिए कि आपको कितना बेंचमार्क रखना है, ठीक है। तो इसके अंदर जो हिस्ट्री रही है इंटरनल बेंचमार्क की, उसके अंदर क्या हिस्ट्री रही है? सबसे पहले तो ये बेंचमार्क बैंक्स ने क्या सिलेक्ट किया, बेंचमार्क प्राइम लेंडिंग रेट, ठीक है। मतलब ये बेसिकली आरबीआई ने कहा था इनको करने के लिए कि इसके ऊपर काम कीजिए। पहले बैंक्स ने सिलेक्ट किया बेंचमार्क प्राइम लेंडिंग रेट, बीपीएलआर, ठीक है। 6-7 साल बाद इसको बंद कर दिया गया। फिर इसके बाद बैंक्स ने चुना बेस रेट, ठीक है। अब बेस रेट जब चुना तो 6-7 साल बाद उसको भी बंद कर दिया गया। उसके बाद बैंक्स ने क्या चुनना शुरू किया, एमसीएलआर रेट। एमसीएलआर रेट के बाद अब 2019 से अब वो क्या कर रहे हैं, अब उन्होंने एमसीएलआर से किस में शिफ्ट करना शुरू कर दिया है, ईबीएलआर पे, ठीक है। तो इंटरनल रेट्स क्या होते हैं, जो मैं आपको नेक्स्ट स्लाइड में बताने वाला हूँ, वो फिक्र मत कीजिए। पर ये इंटरनल बेंचमार्क का इंडिया का हिस्ट्री ये रहा है कि पहले बीपीएलआर से स्टार्ट हुआ, बीपीएलआर से बेस रेट में मूव हुआ इंडियन बैंकिंग सिस्टम, और बेस रेट से एमसीएलआर में मूव हुआ इंडियन बैंकिंग सिस्टम, और अब एमसीएलआर से धीरे धीरे ईबीएलआर में मूव कर रहा है इंडियन बैंकिंग सिस्टम। अब एक्सटर्नल बेंचमार्क रेट क्या होता है, एक्सटर्नल बेंचमार्क लेंडिंग रेट यानी ईबीएलआर क्या होता है, इसके अंदर बैंक अपना घर नहीं देखता, इसके अंदर एक बाहर के कोई लेंडिंग रेट को, बाहर के एक लेंडिंग रेट को अपना बेस मान लिया जाता है, अपना बेस मान लिया जाता है, ठीक है। इसमें बाहर के लेंडिंग रेट को अपना एक बैंक बेस मान लेता है, जिसके ऊपर बैंक क्या करता है, फिर अपना रेट ऑफ इंटरेस्ट अकॉर्डिंगली चार्ज करता है। तो ये ईबीएलआर वाला सिस्टम इंडिया ने 1 अक्टूबर 2019 से स्टार्ट करना शुरू किया। अब ईबीएलआर में बैंक रेपो रेट को भी फॉलो कर सकता है, जो ट्रेजरी बिल्स होते हैं गवर्नमेंट की सिक्योरिटीज के, वो उनको फॉलो कर सकता है, या कोई भी एनी अदर रेट जो फाइनेंशियल बेंचमार्क इंडिया प्राइवेट लिमिटेड ने पब्लिश किया हो, उनको भी अपना बेस बना के बैंक चल सकते हैं चार्ज करने के लिए। देखिए, इनको भी ईबीएलआर को भी मैंने दो पार्ट्स में डिवाइड किया है कि अगर तो आप लोन ले रहे हैं इंडियन करेंसी में तब क्या बनेगा, तब क्या करता है बैंक। अगर आपने लोन लिया फॉरेन करेंसी में तब क्या रहेगा, अगर आप फॉरेन करेंसी में लोन लेते हैं तो एक ही रेट फॉलो होता है, दैट इज लंडन इंटरबैंक ऑफर्ड रेट लाइबोर। इसके बारे में भी आज हमने डिटेल में पढ़ना है। लाइबोर फॉलो होता है अगर आपने फॉरेन करेंसी में लोन लिया है इंडियन बैंकिंग सिस्टम के अंदर एज अ बेंचमार्क रेट ऑफ इंटरेस्ट। अब बेंचमार्क रेट ऑफ इंटरेस्ट के ऊपर बैंक अपना स्प्रेड चार्ज करता है, तो जो फाइनल अमाउंट बन के आती है, फाइनल परसेंटेज बन के आती है, दैट इज द रेट ऑफ इंटरेस्ट दैट द बैंक चार्ज फ्रॉम अस, ठीक है। तो अब आप रिलैक्स हो जाइए। अब आपको एक पिक्चर सामने आ गई है कि देखिए दो तरह के बेंचमार्क हो सकते हैं। पहले तो आपको ये पिक्चर क्लियर होनी चाहिए, मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, पहले तो ये पिक्चर आपको क्लियर होनी चाहिए कि इंटरेस्ट रेट कैसे डिसाइड होता है, फाइनल इंटरेस्ट रेट। फिर आपको ये पिक्चर क्लियर होनी चाहिए कि जो इंटरेस्ट रेट होता है, जो फाइनल वाला जो डिसाइड कर रहा है बैंक, वो दो तरह से डिसाइड कर सकता है, या तो फिक्स डिसाइड कर सकता है, या आपको एक बेंचमार्क के बेस पे फ्लोटिंग डिसाइड कर सकता है। अगर फिक्स डिसाइड कर लिया 9%, तो बैंक ये सीधा सीधा आपको ये बता रहा है 9%, ठीक है। अगर आपको वो कुछ बेंचमार्क वाइज बता रहा है, तो वो बेसिकली आपको बता रहा है कि मेरी कॉस्ट ऑफ फंड्स वगैरह कितनी है और मेरा स्प्रेड कितना है, कॉस्ट ऑफ फंड्स प्लस स्प्रेड, इस तरह से बाइफ्रिकेट करके, बस फ्लोटिंग काइंड ऑफ बाइफ्रिकेट हो गया और ये चेंज होता रहता है, ठीक है। फिक्स फ्लोटिंग प्लस स्प्रेड, ठीक है, तो ये फ्लोटिंग में आ जाता है। तो जो अब इसके अंदर जो इंटरेस्ट इंटरनल और एक्सटर्नल इंटरनल फ्लोटिंग रेट ऑफ इंटरेस्ट का जो बेंचमार्क है, बेसिकली जो ये बेंचमार्क है, वो दो तरह के बेंचमार्क हो सकते हैं, या इंटरनल हो सकता है या एक्सटर्नल हो सकता है। इंटरनल बेंचमार्क वो होता है जो बैंक, हर एक बैंक अपना अपना डिसाइड करता है
कि भाई मेरा क्या रेट और बेंचमार्क रेट ऑफ इंटरेस्ट रहेगा। एक्सटर्नल बेंचमार्क लेंडिंग रेट क्या होता है कि वो एक फिक्स रेट ऑफ इंटरेस्ट होता है जो कोई बाहर की एजेंसी ने फाइनल किया हुआ है, और उस रेट ऑफ इंटरेस्ट को सारे बैंक कॉमनली फॉलो करते हैं। जो इंटरनल बेंचमार्क होता है वो हर एक बैंक का डिफरेंट हो सकता है। क्या होगा ये हर एक बैंक का डिफरेंट डिफरेंट होएगा। जो एक्सटर्नल बैंक बेंचमार्क है वो हर एक बैंक का कॉमन होएगा, क्योंकि ये तो सबके लिए, एक बाहर वाली एजेंसी तो सबके लिए कॉमन ही है ना, वो तो सबके लिए कॉमन ही रेट ऑफ इंटरेस्ट बताएगी, ये सबके लिए कॉमन रहता है। इसके ऊपर डिफरेंस स्प्रेड में आ जाता है कि बैंक किस में स्प्रेड चार्ज कर रहे हैं, ठीक है। तो इस तरह से ये दो तरह के बेंचमार्क्स अपने इंडिया में फॉलो होते हैं। तो आइए हम सबसे पहले जो इंटरनल बेंचमार्क लेंडिंग रेट है या इंटरनल बेंचमार्क है, ये वाली जो हिस्ट्री है लाइबर को छोड़ के, ये वाली जो पोर्शन है ये अभी हम नेक्स्ट स्लाइड में कवर करने जा रहे हैं कि ये क्या हिस्ट्री थी, इसमें क्या कमियां थी, क्यों ये हम बीबीएलआर से बेस में गए, बेस से एमसीएलआर में गए, और एमसीएलआर से हम ईबीएलआर में क्यों जा रहे हैं, इनके पीछे क्या रीजन है, आइए हम नेक्स्ट स्लाइड में इसको सीखते हैं। बड़ा ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है। देखिए सबसे पहले क्या हुआ था, जो इंटरेस्ट रेट्स थे पहले तो गवर्नमेंट के द्वारा फिक्स किए जाते थे कि ये इंटरेस्ट रेट चार्ज किए जाएंगे। फिर देखिए प्राइवेटाइजेशन का फंडा आना शुरू हुआ, तो इंटरेस्ट रेट को जैसे पेट्रोलियम प्राइसेस को डीरेगुलेट कर दिया, उसी तरह से 1994 में इंटरेस्ट रेट्स को सरकार ने डीरेगुलेट कर दिया। उन्होंने बैंक्स के ऊपर छोड़ दिया कि भाई आप अपने जो इंटरेस्ट रेट्स हैं वो खुद डिसाइड कीजिए कि क्या रेट ऑफ इंटरेस्ट आपको चार्ज करना है अपने कस्टमर से, ठीक है। तो जब इसको डीरेगुलेट कर दिया गया तो 2003 में बीपीएलआर अनाउंस हुआ। बीपीएलआर मींस बेंचमार्क प्राइम लैंडिंग रेट, बेंचमार्क प्राइम लैंडिंग रेट 2003 में अनाउंस हुआ। अब बेंचमार्क प्राइम लैंडिंग रेट का क्या मतलब था, बेंचमार्क का मतलब हो गया कि एक बेस, प्राइम लैंडिंग रेट मतलब जो आप प्राइम कस्टमर्स को चार्ज कर रहे हैं, ठीक है। बेंचमार्क प्राइम लैंडिंग रेट क्या था, वो एक मिनिमम रेट ऑफ इंटरेस्ट था जो बैंक्स अपने सबसे प्राइम कस्टमर्स को चार्ज करेगा, प्राइम कस्टमर्स मतलब आप और मैं नहीं, हम तो बहुत साधारण से लोग हैं। प्राइम कस्टमर्स मतलब बड़े कस्टमर्स, बैंक के अच्छे कस्टमर, बढ़िया कस्टमर, उनको जो रेट ऑफ इंटरेस्ट बैंक चार्ज करेगा दैट विल बी देयर बीपीएलआर। अब इसमें आरबीआई ने बैंक्स को क्या दिया, खुली छूट दे दी। हर एक बैंक अपना अपना जो बीपीएलआर है, अपना अपना बीपीएलआर डिसाइड करता रहेगा, उसके अकॉर्डिंगली अपना रेट ऑफ इंटरेस्ट डिसाइड करेगा। तो इसमें क्या हो गया कि जैसे फॉर एग्जांपल देखिए ये सिर्फ एक एग्जांपल है, इसमें कोई सच्चाई नहीं है। फॉर एग्जांपल एचडीएफसी बैंक है, मान लीजिए उसने अपना बीपीएलआर जो है वो डिसाइड कर लिया 7% कि मेरा 7% बीपीएलआर है। तो 7% बीपीएलआर क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, 7% बीपीएलआर रिप्रेजेंट कर रहा है कि भाई एचडीएफसी अपने सबसे वर्दी कस्टमर्स को कितना रेट ऑफ इंटरेस्ट चार्ज कर रहा है, 7%, ठीक है। जो सबसे वर्दी कस्टमर्स है, जो रिस्क फ्री कस्टमर्स है, जिनके ऊपर एचडीएफसी बैंक को डिफॉल्ट का रिस्क नहीं है, उनसे वो कितना ले रहा है, 7%। फिर आपसे और मेरे जैसे लोगों से क्या लेगा, आपसे और मेरे जैसे लोग जो साधारण लोग हैं उनको तो इसको तो उसके उनके ऊपर डाउट है कि भाई ये पता नहीं पेमेंट करेंगे कि नहीं करेंगे, तो हमसे इसके ऊपर कुछ ज्यादा परसेंट चार्ज कर लेगा, 8% चार्ज कर लेगा, 9% चार्ज कर लेगा, यानी कि इसके ऊपर रिस्क का फैक्टर ऐड कर देगा इस तरह से। तो ये चीज सिस्टम शुरू की। अब इसमें कमियां क्या है सिस्टम के अंदर, इसके अंदर कोई फॉर्मूला तो है नहीं, इसके अंदर कोई रेट ऑफ इंटरेस्ट फिक्स करने का कोई फॉर्मूला तो है नहीं। इसके अंदर बैंक्स को एक खुली छूट दे दी गई कि आप अपने जो रेट ऑफ इंटरेस्ट को चार्ज कर रहे हैं, ठीक है, जो आप सबसे अपने वर्दी कस्टमर्स को, सबसे रिस्क फ्री कस्टमर्स को चार्ज करते हैं, उन्हीं कस्टमर्स को जो आप वो अपना एक मिनिमम बेंचमार्क बना के चल लीजिए। अब इसके अंदर सब बैंक्स का अपना अपना आने लग गया, कोई बैंक किसी कस्टमर से किस तरह का, अब पहले तो डिफाइन कैसे करें कि सबसे वर्दी कस्टमर कौन सा है, तो फिर सब बैंक्स का अपना अपना जो मिनिमम रेट ऑफ इंटरेस्ट है निकल के आने लग गया। फिर 2007 की एक स्टडी में पाया गया कि जैसे फॉर एग्जांपल किसी बैंक ने एक बीपीएलआर डिसाइड किया हुआ है 7% कि मैं सबसे अपने सबसे वर्दी कस्टमर्स को 7% चार्ज कर रहा हूं, बट जब उसकी बुक का एनालिसिस किया गया, बैंक की लोन बुक का एनालिसिस किया गया, तो उसने उससे भी कम रेट ऑफ इंटरेस्ट में, यानी कि 5% 6% रेट ऑफ इंटरेस्ट पे भी लोन्स दिए हुए थे लोगों को। अरे भाई आरबीआई ने बैंक्स को बोला था कि आप जो सबसे वर्दी कस्टमर्स को जो सबसे लोएस्ट रेट ऑफ इंटरेस्ट काइंड ऑफ चार्ज कर रहे हैं
सबसे रिस्क फ्री रेट ऑफ इंटरेस्ट जो आप चार्ज कर रहे हैं वो आपका मिनिमम बेंचमार्क बना के चलिए। बैंक ने फॉर एग्जांपल उसको 7% बना लिया, पर वो खुद किसी कस्टमर को 7% से भी नीचे दे रहे हैं, 5%। तो अगर 5%, अगर आप मेरे को ये बता रहे हो कि मेरा BPLR 7% है क्योंकि मैं सबसे बढ़िया कस्टमर को 7% चार्ज करता हूं, तो मैं मेरे जैसा बंदा क्या सोचेगा कि हाँ यार कि HDFC बैंक फॉर एग्जांपल कि रिलायंस जैसे इतने बड़े कस्टमर से, इतने वर्दी कस्टमर से 7% चार्ज कर रहा है, तो मैं तो साधारण बंदा हूं, मैं तो 8-9% तो दूंगा ही। पर पता क्या चलता है, पता चलता है कि बैंक ने किसी फॉर एग्जांपल किसी और बड़े कॉर्पोरेट से, अडानी से या किसी और बड़े कॉर्पोरेट से, उनको 5% ही चार्ज कर रहा है, तो मैं तो मूर्ख बन गया। मैंने तो 8% का रेट ऑफ इंटरेस्ट ये सोच के बैंक को दिया था कि भाई मैं 7% तो रिलायंस ही दे रहा है, 8% दे देता हूँ, क्योंकि बैंक का मिनिमम रेट ही 7% है, कि बैंक 7% से नीचे तो किसी को देता नहीं है। पर एक्चुअल में उसने 7% से नीचे भी दिए हुए थे लोन, तो फिर ये BPLR का कॉन्सेप्ट तो फेल हो गया ना, इसका तो कोई लॉजिक ही नहीं रहा BPLR वाले कॉन्सेप्ट का, क्योंकि बैंक इसको डिलीजेंटली फॉलो ही नहीं कर रहे BPLR को। तो फिर क्या किया गया, 2003 में इसको BPLR को अनाउंस किया गया। जब 2007 की स्टडी में ये सारे फैक्ट्स सामने आए, तो 2010 में इन्होंने RBI ने कहा कि BPLR वाला कॉन्सेप्ट क्या है, आप बंद कर दो, BPLR वाला कॉन्सेप्ट आप लोगों को फॉलो नहीं करना, इसको बंद कर दो। उसके बाद RBI ने 2010 में बैंक्स को बताया कि अब आप बेस रेट का फॉर्मूला यूज करो, अब आप बेस रेट एक बना के चलो जिसके ऊपर आप प्रीमियम चार्ज करोगे, एक बेस रेट आप अपना कस्टमर्स को रिवील करोगे, कस्टमर्स को आप रिवील करोगे कि हमारा मिनिमम बेस रेट क्या है। तो जो BPLR था इसके अंदर तो कोई फॉर्मूला था ही नहीं कैलकुलेट करने का, इसके अंदर एक इंडिकेटिव फॉर्मूला दे दिया गया, इंडिकेटिव फॉर्मूला दे दिया गया। इसके अंदर RBI ने बैंक को बोला कि ये ना एक अंदाजा वाला, एक मैं तो आपको फॉर्मूला दे रही हूं, ये इस फॉर्मूला से आप अंदाजा लगा लीजिए कि आपको ये बेस रेट कंप्यूट कैसे करना है, कि बेस रेट निकालना कैसे है, इस मेथड को, इस फॉर्मूले को कैसे फॉलो करना है, या इसके अंदर कुछ चेंजेस आपको करने हैं तो आप अपने तरीके से कर सकते हैं, ठीक है। बस ये हमारी तरफ से एक इंडिकेशन है। इंडिकेशन का क्या मतलब होता है कि हमारा राय मशवरा है कि हमारी ये सलाह है आपके लिए कि आप ये कर लीजिए, कोई मैंडेट नहीं है कि आपको इसी तरह से कैलकुलेट करना है, बस हमारी तरफ से एक आपको डायरेक्शन है कि आप इस तरह से फॉलो कीजिए। अच्छा, क्या डायरेक्शन बताई उन्होंने बताया कि आप अपनी कॉस्ट ऑफ बोरिंग उठा लीजिए। अब कॉस्ट ऑफ बोरिंग्स में क्या आता है, कॉस्ट ऑफ बोरिंग्स में अपने पास आ जाता है ये सब कुछ, ये जो आप पे कर रहे हैं सेविंग्स पे इंटरेस्ट पे कर रहे हैं, जो ये रेपो रेट पे कर रहे हैं या जो ये इंटरेस्ट रेट पे कर रहे हैं, ये आ जाता है आपका कॉस्ट ऑफ बोरिंग प्लस नेगेटिव कैरी मीन्स वही अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, जो CRR SLR मेंटेन करनी है उसके ऊपर जो बैंक पैसा नहीं कमा पाया उसके ऊपर जो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है वो ऐड कर ली, अपनी ऑपरेटिंग कॉस्ट मीन्स ओवरहेड कॉस्ट आ गई आपकी, जो आपके बैंक चलाने के खर्चे हैं वो कॉस्ट आपने ऐड कर ली, प्लस रिटर्न ऑन इक्विटी, जो आपको मैंने बेसिक कॉन्सेप्ट में भी समझाया था कि जो इक्विटी को जो रिटर्न पे करनी है, ये रिटर्न ऑन इक्विटी ये आपने ऐड कर ली। और इसकी इन सारी चीजों को ऐड करने के बाद आपके पास एक फिगर निकल के आई जिसको आपने नाम दे दिया बेस रेट। अब बेस रेट के ऊपर आपने अपना स्प्रेड चार्ज कर लिया, जो भी आपने प्रॉफिट कमाना है वो चार्ज कर लिया, दैट वो आपका जो बाकी बच के आया वो आपका आ गया फाइनल रेट ऑफ इंटरेस्ट। तो इस तरह से बैंक्स ने इस चीज को बताया लोगों को, राइट। तो ये चीज इंडिकेशन थी उनके लिए कि अब बैंक्स को कि आप इस चीज के ऊपर काम कीजिए। तो देखिए हुआ क्या, इसके अंदर दिक्कत क्या आई, ध्यान से देखिएगा। फर्स्ट ऑफ ऑल तो जो रिटर्न ऑन इक्विटी है इसके बारे में कुछ फिक्स नहीं था कि ये रिटर्न ऑन इक्विटी है क्या, कैसे कंप्यूट करेंगे, कैसे नहीं, कितनी होनी चाहिए, कितनी वेटेज इसकी होनी चाहिए, कुछ भी नहीं, ठीक है। ऑपरेटिंग कॉस्ट तो चलो हर एक की, तो जो उसके बाद जो अपने पास अपना बोरिंग कॉस्ट आ जाती है, उसके बाद जो कॉस्ट ऑफ बोरिंग आ जाती है, अब इस चीज को ध्यान से समझिएगा। देखिए कॉस्ट ऑफ बोरिंग क्या होती है, जो मार्केट से पैसा उठाया, जैसे रेपो रेट पे RBI से पैसा उठाया, लोगों से सेविंग इंटरेस्ट चार्ज किया, FDs का इंटरेस्ट चार्ज किया। अब देखिए मैं आपसे एक सवाल पूछता हूं कि फॉर एग्जांपल आपने 5 साल पहले किसी बैंक के पास FD करवाई थी 10 साल के लिए, ठीक है। तो 5 साल पहले FD का रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या रहेगा, मतलब 7-7.5% के ऊपर आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट मिल गया होगा FD का बड़े आराम से। तो 7-7.5% रेट ऑफ इंटरेस्ट के ऊपर आपने FD करवा ली, तो 10 साल की FD कराई, ठीक है। मान लीजिए 2016 में आपने
10 साल के लिए 7% रेट ऑफ इंटरेस्ट पे एफडी करवा ली बैंक के पास, तो ये 2026 में मेच्योर होनी है, आज चल रहा है 2021, तो बैंक आपको 7% आरओआई पे कर रहा है उसी एफडीआर के ऊपर, क्योंकि आपकी पहले की बुक हो चुकी है एफडी, ठीक है। तो पर अगर आप आज एफडी करवाने जाएं 10 साल की सेम अमाउंट की, तो आपको कितना रेट ऑफ इंटरेस्ट मिलेगा? 6% 6.5% मैक्सिमम, 6.5 6.5 6% 7% तो नहीं मिलने वाला, ठीक है। तो बैंक ने क्या किया कि जो कॉस्ट ऑफ बोरिंग निकालनी थी उन्होंने बोला कि भाई मैं तो कॉस्ट ऑफ बोरिंग अपनी जो पास्ट वाले जो मैंने लोन्स महंगे महंगे रेट ऑफ आरओआई पे जो मैंने उठा रखे हैं, जो महंगे आरओआई पे मैंने एफडीआई उठा रखी हैं, मैं तो उनके ऊपर जो इंटरेस्ट पे कर रही हूँ वो वाली कॉस्ट ऑफ बोरिंग करूंगी। कुछ बैंक्स तो कहने लगे कि हम जो अपना पुराना वाला था ओल्ड वाला आरओआई था, जो महंगे वाला आरओआई था उसको कॉस्ट ऑफ बोरिंग मान के चलेंगे। कुछ कहने लग गए हम न्यू वाले जो नई एफडीज जिस रेट पे उठा रहे हैं, जो नए सेविंग अकाउंट्स के ऊपर जो इंटरेस्ट दे रहे हैं उनको बेस मान के चलेंगे। कुछ ने ब्लेंडेड यूज कर लिया, दोनों का मिक्सचर यूज कर लिया। अब इन्हीं चीजों की वजह से इसमें भी कोई वो फायदा नहीं रहा, पता नहीं लग पा रहा था कि भाई कैसे डिसाइड हो रहा है कैसे नहीं हो रहा, इसका भी नहीं डिसाइड हो पा रहा था कि कैसे हो रहा है कैसे नहीं हो रहा। तो फर्दर उसके बाद जब आरबीआई की जो मॉनेटरी पॉलिसी आती है तो बैंक आरबीआई इन्फ्लेशन को या डिफ्लेशन को कंट्रोल करने के लिए अपने रेपो रेट में चेंज करता रहता है। ये तो आपको आइडिया है ही कि अगर उसको बाहर लोगों के पास ज्यादा पैसा पहुंचाना है, आरबीआई चाहता है कि लोगों की परचेजिंग पावर बढ़े, इकोनॉमी में डिफ्लेशन काफी है, थोड़ा सा इकोनॉमी में बूस्ट आए, तो आरबीआई क्या करता है कि लोगों को रेपो रेट अपना कम कर देता है बैंक्स को, तो जिससे कि बैंक्स को सस्ते रेट ऑफ इंटरेस्ट पे आरबीआई से लोन मिलना शुरू हो जाता है। तो उससे क्या होता है कि फिर वो आरबीआई उसी रेपो रेट को कम कर देने की वजह से उस मतलब तो वो क्या होता है कि बैंक्स को सस्ते रेट पर लोन मिल गया, तो यहाँ पे कॉस्ट ऑफ बोरिंग कम हो गई, तो ये अल्टीमेटली फाइनल रेट ऑफ इंटरेस्ट कम हो गया, तो लोगों को सस्ता लोन मिलना शुरू हो गया। पर बेस रेट में इन खामियों की वजह से आरबीआई की रेपो रेट का इंपैक्ट ज्यादा नहीं आ पा रहा था। तो उसके बाद फिर आरबीआई ने क्या बोला, जब 2010 में बेस रेट को अनाउंस किया था, तो उसके बाद 2016 में आके आरबीआई ने बोला कि भाई बेस रेट वाला कॉन्सेप्ट को बंद कीजिए, अब आप एमसीएलआर का कॉन्सेप्ट शुरू कीजिए बेस रेट का कॉन्सेप्ट बंद कीजिए। अब जो एमसीएलआर था, अब एमसीएलआर में जो फॉर्मूला था इसमें तो इंडिकेटिव था, सलाह थी, इसमें फॉर्मूला फिक्स कर दिया गया कि आपको अपना वो जो मिनिमम बेंचमार्क रेट है वो आपको डिसाइड कैसे करना है, उसका फॉर्मूला उन्होंने फिक्स कर दिया। अब उन्होंने फिक्स कैसे किया, उन्होंने बोला कि जो ये कॉस्ट ऑफ बोरिंग है, जो आप चालाकी कर रहे थे, जो आप पुरानी एफडीआई वाले जो रेट ऑफ इंटरेस्ट उठा रहे थे, अब वो नहीं चलेगा आपका काम, अब आप उठाओगे सिर्फ न्यू वाले, जो जिस रेट ऑफ इंटरेस्ट पे आप नए सेविंग अकाउंट होल्डर्स को या एफडीआर होल्डर्स को जो रेट ऑफ इंटरेस्ट दे रहे हो, जो न्यू दे रहे हो अपडेटेड वाला, वही आपका जो मिनिमम रेट उसमें बोरिंग में आप लेंगे, प्लस आप मेरा रेपो रेट कंसीडर करेंगे, इसमें स्पेसिफिकली लिख दिया गया। प्लस उसमें उन्होंने क्या किया कि जो रिटर्न ऑन इक्विटी यहाँ पे अलग से दिखाई गई थी, उन्होंने इसको इसमें ही मर्ज कर दिया कॉस्ट ऑफ बोरिंग में। आरबीआई ने उन्होंने बोला कि जो आपकी मार्जिनल कॉस्ट ऑफ बोरिंग है उसके अंदर दो वेटेजेस है, आपकी जो बोरिंग कॉस्ट है, बोरिंग कॉस्ट यानी कि जो आप आरबीआई से बोरो करते हैं, लोगों से सेविंग करंट अकाउंट एफडी में लेते हैं या अदर बैंक से बोरो करते हैं, वो आपकी बोरिंग कॉस्ट प्लस आपकी जो रिटर्न ऑन इक्विटी है, इन दोनों का वेट 90:8 की रेशो में रहेगा। आरओआई अगर आपने मान लो 10% चार्ज करनी है, अपने फॉर एग्जांपल 5% आपको ये चाहिए, ये आपको फॉर एग्जांपल 4% पड़ रही है, तो ये 4% का 92 का वेट है, ये 8 का वेट है, तो उसके अकॉर्डिंग आपका एक जो एवरेज मार्जिनल कॉस्ट ऑफ बोरिंग निकल के आएगी वेट के हिसाब से। तो रिटर्न ऑन इक्विटी को एक वेट असाइन कर दिया गया पर्टिकुलर पूरे फॉर्मूला के अंदर। नेगेटिव कैरी उसी तरह से रहा, जो सीआरआर के ऊपर कॉस्ट है ऑपरेटिंग कॉस्ट उसी तरह से रहा, प्लस एक ऐड कर दिया गया टेन्योर कॉस्ट प्रीमियम। टेन्योर कॉस्ट प्रीमियम का मतलब होता है कि अगर आप किसी पर्सन को एक साल का लोन दे रहे हैं तो आपको आप रिस्क कितने टाइम का ले रहे हैं, एक साल का। अगर आप किसी पर्सन को लोन 5 साल का दे रहे हैं तो आप उसके ऊपर रिस्क 5 साल का दे रहे हैं, तो 5 साल में आपको क्या पता कि भी 5 साल में वो फटी जाए या 5 साल में क्या हो फेरबदल हो जाए उसके बिजनेस में, एज कम्पेयर टू 1 साल का लोन देना किसी बंदे को, उसके बदले उसको 5 साल का लोन देना तो ज्यादा रिस्की तो 5 साल वाला ही हुआ ना।
तो जो आप हायर टेन्योर वाले लोन्स दे रहे हैं उनका जो प्रीमियम रिस्क प्रीमियम है वो आप अपने एंड पे डिसाइड कर लीजिए, वो आप अपने एंड पे डिसाइड कर लीजिए रिस्क प्रीमियम। तो इसको उन्होंने नाम दिया टेन्योर कॉस्ट और प्रीमियम, ठीक है। तो इन सारी चीजों को जब ऐड किया गया तो वो बन के आया हमारे पास MCLR, तो वो बन के आया MCLR। तो MCLR हर एक बैंक को बोला गया फिक्स करने के लिए, उसके इसके लिए एक फिक्स फॉर्मूला जो RBI ने बैंक्स को दे दिया, तो MCLR को फॉलो करना बैंक्स ने शुरू कर दिया। उसके बाद अब MCLR को फॉलो करते हुए बैंक्स इसके बारे में रेट ऑफ इंटरेस्ट 2-3 महीने बाद MCLR अपडेटेड बताते रहे कि भाई क्या MCLR, क्या MCLR है, हर एक बैंक का चेंज होता रहा। फिर 2019 के जो टाइम था वो डिफ्लेशनरी टाइम आया मार्केट के अंदर, डिफ्लेशनरी टाइम आया। डिफ्लेशनरी टाइम का क्या मतलब था कि उस टाइम लोगों के पास पैसा नहीं था मार्केट के अंदर, लोगों को पैसा चाहिए था इन्वेस्टमेंट करने के लिए या मार्केट को बूस्ट, इकोनॉमी को बूस्ट करने के लिए। तो RBI ने अपने रेपो रेट को कम करना शुरू कर दिया, RBI ने रेपो रेट को कम शुरू करना शुरू कर दिया, जो कि जो रेपो रेट 6.5-6.5% के करीब करीब घूम रहा था वो कब होते होते 5% के करीब आ गया था, और आज की डेट में तो ये 4% चल रहा है, ठीक है। इतना ज्यादा कम कर दिया था एक साल के अंदर ही RBI ने रेपो रेट को। पर जब RBI ने रेपो रेट को कम किया तो RBI एक्सपेक्ट कर रहा था कि जो MCLR रेट है तो बैंक्स MCLR रेट्स को भी साइमल्टेनियसली कम करते रहेंगे। अब जैसे रेपो रेट को तो बैंक्स ने RBI ने रेपो रेट को तो जैसे 2% से कम कर दिया, तो RBI एक्सपेक्ट कर रहा था कि जो बैंक्स हैं वो भी 1.5% से तो अपना टोटल इंटरेस्ट कॉस्ट तो कम करेंगी, क्योंकि उनकी ये मार्जिनल कॉस्ट ऑफ बोरिंग सस्ती हो गई है, उनको मेरे से पैसा सस्ते में मिल रहा है। तो बैंकों ने क्या किया, बैंकों ने की चलाकी, उन्होंने RBI ने तो रेपो रेट कम कर दिया, RBI ने रेपो रेट कम कर दिया यानी कि बैंक्स को RBI से पैसा सस्ते में मिलना स्टार्ट हो गया लो रेट ऑफ इंटरेस्ट पे। पर उन्होंने अपने MCLR में चेंज किया ही नहीं, उन्होंने MCLR में फाइनल रेट ऑफ इंटरेस्ट में उतना चेंज नहीं किया जितना वो उनको करना चाहिए था। उन्होंने बेसिकली इसमें भी अपना प्रॉफिट मोटिव देखा, उन्होंने देखा कि भाई हमको सस्ते रेट ऑफ इंटरेस्ट पे लोन मिल रहा है, हम उठा लेते हैं, लोगों से थोड़ा सा ज्यादा चार्ज कर लेते हैं, हमको RBI के हिसाब से कम करने की क्या जरूरत है। कुछ भी बहाना लगा दिया कि हमारी ऑपरेटिंग कॉस्ट ज्यादा है, हमारा ये ज्यादा है, कुछ भी लगा लो। तो इस तरह से प्रॉफिट मोटिव पे आ गए, उन्होंने जो RBI की रेपो रेट की पॉलिसी को मार्केट के अंदर इंपैक्ट ही नहीं आने दिया। तो RBI को भी लगा कि भाई इस तरह से तो मैं जो अपनी मॉनेटरी पॉलिसी है मार्केट के अंदर वो तो इंप्लीमेंट ही नहीं कर पाऊंगा, मैं तो मार्केट को कंट्रोल ही नहीं कर पाऊंगा उसके हिसाब से। तो फिर उसके बाद 2019 में फाइनली 1 अक्टूबर 2019 को RBI ने बैंक्स को बोला कि भाई साहब बहुत हो गया, अब आप जो ये इंटरनल वाला आपने जो ये सिस्टम बनाया था अपने पास सारा, जो ये आपने इंटरनल लोन इंटरनल अपनी कॉस्टिंग सेट करने का सिस्टम बनाया था, इसको अब आप कीजिए बंद, क्योंकि अब मेरे से और बर्दाश्त नहीं हो रहा, क्योंकि आप बहुत ज़्यादा चलाकियाँ कर रहे हैं। जब से BPLR शुरू हुआ है तब से आपने अपने प्रॉफिट मोटिव को ही आगे रखा है, और बैंक्स की देश की इकोनॉमी को उसकी पॉलिसीज को आप कुछ नहीं समझ रहे हो, ठीक है। तो आप इस प्रैक्टिस को अब बंद कीजिए, अब मैं आपके ऊपर छोड़ूंगा ही नहीं, RBI कहता है कि अब मैं आपके ऊपर छोड़ूंगा ही नहीं, अब आप मेरे हिसाब से चलिए कि अब आपको खुद से डिसाइड नहीं करना कि क्या रेट ऑफ इंटरेस्ट लगाना है, अब आपको ये फॉर्मूलाज यूज नहीं करने, अब आप अपना इंटरनल बेंचमार्क छोड़ दीजिए, क्योंकि आप पे मेरे को आप पे भरोसा नहीं है, ठीक है। हर एक बैंक अपनी मन मर्जी कर रहा है, अपने मन के हिसाब से रेट ऑफ इंटरेस्ट चार्ज कर रहा है, आप इस चीज को छोड़ दीजिए, अब आप एक एक्सटर्नल चीज को अपना मेन बेंचमार्क बना लीजिए, अपना गुरु बना लीजिए। अब RBI ने क्या हिदायत दी बैंक्स को, उन्होंने 2019 में EBLR सिस्टम इंट्रोड्यूस किया। उन्होंने बोला कि आपके जो रिटेल लोन्स हैं, जो पर्सनल लोन्स हैं, ठीक है, जो जो MSMEs को आपने लोन्स दिए हुए हैं, जिन सेक्टर्स को RBI सबसे ज्यादा बेनिफिट पहुंचाना चाहता था अपनी मॉनेटरी पॉलिसी का, ठीक है, जिन सेक्टर्स को RBI सबसे ज्यादा पैसा फायदा पहुंचाना चाहता था, कहते आप 1 अक्टूबर 2019 के बाद जो भी आप उनको लोन्स देंगे वो EBLR के ऊपर लिंक्ड देंगे, वो आप EBLR के ऊपर लिंक्ड देंगे, EBLR एक्सटर्नल बेंचमार्क लेंडिंग रेट, यानी कि आप अपने आप से डिसाइड नहीं करेंगे कि आपका मिनिमम रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या रहेगा, आप एक बेंचमार्क जो कि पब्लिकली रिलीज्ड रहेगा सबको, उस बेंचमार्क को बेस बना के चलेंगे, उसके ऊपर अपना प्रॉफिट मार्जिन ऐड करेंगे स्प्रेड, और जो बनेगा रेट ऑफ इंटरेस्ट वो कंज्यूमर को लगा देंगे, ठीक है। तो इसके अंदर जो EBLR था, अब जो EBLR था उसके अंदर RBI ने 3-4 ऑप्शंस दे दी बैंक्स को, उसके अंदर 3-4 ऑप्शंस दे दी, कहते या तो आप रेपो रेट लगा लो जिस रेट ऑफ इंटरेस्ट पे मैं आपको लोन दे रहा हूँ, या तो आप वो उठा लो,
या आप जो गवर्नमेंट्स के टी बिल्स होते हैं, ट्रेजरी बिल्स होते हैं, जो गवर्नमेंट सिक्योरिटीज है, 3 महीने 6 महीने मेजोरिटीज वाली, जो रेट ऑफ इंटरेस्ट उनके ऊपर चल रहा है आप वो रेट ऑफ इंटरेस्ट उठा लो, या आप कोई भी फाइनेंशियल बेंचमार्क इंडिया प्राइवेट लिमिटेड ने जो रेट ऑफ इंटरेस्ट पब्लिश किया हुआ है, बेंचमार्क रेट ऑफ इंटरेस्ट, आप उस रेट ऑफ इंटरेस्ट को उठा लो। यानी कि चॉइस दे दी तीन ऑप्शंस में, ठीक है। अब ये बैंक्स की मर्जी थी, बैंक्स की मर्जी है कि उनमें से उसको क्या फॉलो करना है। पर जिस लोन क्लास के लिए, फॉर एग्जाम्पल अगर उन्होंने हाउसिंग लोन सेलेक्ट कर लिया, हाउसिंग लोन के लिए उन्होंने अगर रेपो रेट को बेंचमार्क बना लिया, तो वो पर्टिकुलर बैंक, अगर मान लीजिए ये HDFC बैंक है, तो वो पर्टिकुलर बैंक सारे हाउसिंग लोन्स के लिए रेपो रेट को ही बेस बना के चलेगा। अब ये नहीं है कि मेरे से हाउसिंग लोन रेपो रेट पे चार्ज कर लिया, आपसे ट्रेजरी बिल्स के बेस के ऊपर चार्ज कर लिया, इस तरह से नहीं, ठीक है। एक लोन क्लास में एक बैंक एक ही काइंड ऑफ रेट ऑफ इंटरेस्ट को बेंचमार्क बना के चलेगा। तो इसका इम्पैक्ट क्या हुआ कि जो बैंक्स थे उन्होंने रेपो रेट को ही, सारे झंझटों को छोड़ा, रेपो रेट को ही अपना बेस रेट बना लिया, अपना बेंचमार्क रेट सब बैंक्स ने बना लिया। अब इसका इम्पैक्ट क्या हुआ, अब आरबीआई की जो मॉनेटरी पॉलिसी है, उसका इम्पैक्ट अब डायरेक्टली आना शुरू हो जाएगा, रिफ्लेक्ट होना शुरू हो जाएगा, क्योंकि अब आरबीआई रेपो रेट चेंज करेगा तो सारी मीडिया में, सारे खबरों में फैल जाता है कि रेपो रेट चेंज हुआ, तो आपका जो लोन है वो भी रेपो रेट से ही लिंक्ड है। अगर आपका लोन रेपो रेट से ही लिंक्ड है तो जो आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट, आपके लोन का रेट ऑफ इंटरेस्ट भी साथ के साथ ही चेंज होएगा, क्योंकि स्प्रेड तो सेम ही रहेगा, सिर्फ रेपो रेट चेंज होगा तो आपके लोन का रेट ऑफ इंटरेस्ट भी। तो ट्रांसपेरेंसी आपको भी है, आपको भी क्लैरिटी है, आपको भी पता है कि बैंक प्रॉफिट मोटिव से नहीं, अब आपको रेपो रेट के बेस पे ही चल रहे हैं, ठीक है। तो ये रेपो रेट के आने से वो ट्रांसपेरेंसी होगी। तो फिर ये इसमें एक क्वेश्चन आया कि ये 1 अक्टूबर 2019 के बाद मिलने वाले नए लोन्स के ऊपर लागू था, पर जो 1 अक्टूबर 2019 के पहले वाले लोन चल रहे थे उनका क्या बनेगा, जो MCLR पे चल रहे थे। उसके अंदर RBI ने ऑप्शन दी कि आप उनको MCLR पे चला सकते हो, बट इफ कंज्यूमर वांट्स, कस्टमर या कंज्यूमर वांट्स कि आप मेरा MCLR टू रेपो रेट पे कन्वर्ट कर दीजिए, तो आप कन्वर्ट कर सकते हैं, तो आप उसको कन्वर्ट कर दीजिए। तो फॉर एग्जांपल अगर आपका हाउसिंग लोन आपने 2015 में लिया था, आप एक बार जाके चेक कर लीजिए, अगर आप वो आपका जो हाउसिंग लोन है वो MCLR पे चल रहा है, तो आप अपने बैंक को जाके गुजारिश कर सकते हैं कि भाई मेरा आप उसको MCLR से रेपो रेट के अंदर शिफ्ट कर दीजिए, थोड़ा सा आपको कॉस्टिंग का उसके अंदर फर्क पड़ जाएगा, रेपो रेट में आपको सस्ता पड़ेगा। तो जो MCLR से रेपो रेट का कन्वर्जन है उसकी आपको 2,000 से 3,000 पे बैंक आपसे एक कन्वर्जन फीस चार्ज करेगा, कुछ 2-3 फॉर्म साइन करवाएगा, वो आप साइन करके दे दीजिए, वो 2-3 हज़ार पे फीस पे कर दीजिए और कन्वर्जन की, तो आपका जो रेट है वो चेंज हो जाएगा रेपो रेट में, जो कि आपको सस्ता पड़ेगा एज कम्पेयर टू MCLR, ठीक है। तो इस तरह से बैंक्स ने उसको रेपो रेट को अपना बेस बना लिया। अब यहाँ पे बैंक जो जो ये रेपो रेट है ना, वो MSMEs को लगता है, MSMEs को लगता है जिनके पास जैसे उद्यम रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट होता है, यानी कि जो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस हैं, उद्यम रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट जिनके पास है, जो लार्ज कॉर्पोरेट्स हैं, जो लार्ज एंटिटीज हैं, जो MSMEs नहीं है, उनके ऊपर स्टिल MCLR ही लग रहा है, उनके ऊपर MCLR ही चल रहा है। यानी कि ये दोनों जो रेट्स हैं, रेपो रेट और MCLR, यानी कि जो ये दोनों बेंचमार्क हैं, ये दोनों साइमल्टेनियसली प्रजिस्ट कर रहे हैं, साइमल्टेनियसली चल रहे हैं मार्केट के अंदर, इंडियन मार्केट के अंदर, ठीक है। तो आपको अब ये टॉपिक तो क्लियर हो गया होगा आई होप, कि ये इनकी लोन की हिस्ट्री क्या थी और ये क्यों क्यों टाइम के साथ साथ चेंज होते रहे। तो जो MCLR रेट है और जो ये एक्सटर्नल रेट है, ये दोनों चीज़ें अभी भी साइमल्टेनियसली चल रही हैं, बट इसका प्रचलन धीरे धीरे बढ़ता जा रहा है एक्सटर्नल बेंचमार्क का, क्योंकि जो MCLR वाला है इसके अंदर काफ़ी इश्यूज रहते हैं कि बैंक प्रॉफिट मोटिव से काम करते हैं और RBI की पॉलिसीज को इम्प्लीमेंट करने में देरी लगाते हैं, इस वजह से MCLR को अवॉइड करना चाह रहा है आगे चल के और एक्सटर्नल बेंचमार्क को लिंक करना चाह रहा है। अब ये तो हो गए अपने इंडियन करेंसी वाले लोन्स, ये भी सारे इंडियन करेंसी वाले लोन्स हो गए, ठीक है। इंडियन करेंसी वाले लोन्स के ऊपर का सारा हिसाब का किताब आपको आज समझ में आ गया कि कौन से रेट ऑफ इंटरेस्ट है, क्या उनकी हिस्ट्री पास्ट में रही है। तो चलिए आज का जो हमारा लास्ट टॉपिक है और जो बड़ा ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है कि लाइबोर का क्या सीन है भाई, जो फॉरेन करेंसी वाले लोन्स हैं और उनके ऊपर जो लाइबोर है उसका क्या सीन है, ये कैसे कंप्यूट होता है, ये है क्या चीज, लाइबोर क्या चीज है। तो आइए अब हम लाइबोर के बारे में पढ़ते हैं। पहले लाइबोर के बारे में देखिए, ध्यान से समझिएगा, लाइबोर मीन्स लंदन इंटरबैंक
ऑफर्ड रेट। लंदन इंटरबैंक, इंटरबैंक मींस बैंकों का, बैंक्स का आपस में लोन्स का लेन देन, लोन्स का लेन देन बैंक्स का आपस में, ठीक है। किस रेट ऑफ इंटरेस्ट पे, किस रेट ऑफ इंटरेस्ट पे, यानी कि लाइबोर क्या है कि बैंक्स आपस में किस रेट ऑफ इंटरेस्ट पे एक दूसरे को लोन्स दे रहे हैं, उस रेट को क्या बोलते हैं हम, लंदन इंटरबैंक ऑफर्ड रेट, यानी कि जो यूके की मार्केट है उसके अंदर। अब इसमें आप बोलेंगे कि ये क्या फंडा है या क्या चीज है, इसके बारे में थोड़ा सा डिटेल में समझाइए। देखिए बैंक्स, बैंक है, बैंक ए है, जैसे बैंक बी है, ठीक है, बैंक ए के पास एक्सेस फंड्स पड़े हैं, इसको फंड्स की नीड है, ठीक है। अब बैंक बी से ये पूछा जाता है, बैंक बी से ये पूछा जाता है कि आपको जो फंड्स की नीड है, अगर आपको ये फंड्स की नीड किसी दूसरे बैंक से पूरी करनी हो तो आप कितना रेट ऑफ इंटरेस्ट पे करना चाहेंगे, कितना रेट ऑफ इंटरेस्ट पे करना चाहेंगे, कितना रेट ऑफ इंटरेस्ट पे करना चाहेंगे, तो बैंक भी अपनी एक कोटेशन बता देगा। अब बैंक बी से इस तरह की 7 कोटेशंस पूछी जाएंगी। 7 कोटेशंस कैसे, जैसे फॉर एग्जांपल मैं हूं, अब मैं अंकुश, ठीक है, मैंने बैंक बी से पूछा कि अगर आपको जो फंड्स की जरूरत है, अगर आपको ये फंड्स किसी दूसरे बैंक से बोरो करने पड़े तो आप उनको क्या रेट ऑफ इंटरेस्ट देना पसंद करेंगे, मैंने ये पूछा। अब मैं उनको पूछूंगा कि मेरे को ये 7 डिफरेंट टाइमलाइंस में बताइए। बैंक बी ने पूछा सर 7 डिफरेंट टाइमलाइंस कैसे, मैंने पूछा कि अगर आपको एक दिन के लिए लोन लेना हो, ओवरनाइट, अगर आपको एक दिन के लिए ही लोन चाहिए तो आप कितना रेट ऑफ इंटरेस्ट पे करना चाहेंगे, अगर आपको एक हफ्ते के लिए लोन चाहिए तो आप कितने रेट ऑफ इंटरेस्ट पे करना चाहेंगे, फिर मैंने पूछा अगर आपको 1 मंथ के लिए चाहिए तो कितना रेट ऑफ इंटरेस्ट पे करना चाहेंगे, फिर मैंने 2 मंथ्स, 3 मंथ्स, 6 मंथ्स एंड 12 मंथ्स, इस तरह से मैंने जो बैंक बी था उससे मैंने डिफरेंट डिफरेंट परसेंटेज की कोटेशन ले ली, उससे मैंने डिफरेंट डिफरेंट रेट ऑफ इंटरेस्ट की कोटेशन ले ली कि आप ये बताइए कि आपको अगर इतने इतने टाइम के लिए बोरो करना पड़े किसी दूसरे बैंक से तो आप कितना ब्याज देना चाहेंगे, क्या आपको लग रहा है मार्केट के हिसाब से कि कितना ब्याज होना चाहिए, इस तरह मैंने बैंक बी से पूछा। अब बैंक बी बड़ा बैंक है और इस तरह के बहुत सारे बैंक हैं मार्केट के अंदर जो बड़े हैं, जो बड़े लार्ज वॉल्यूम्स में डीलिंग करते हैं, तो मैंने इस तरह के बैंक बी की तरह ही इंक्लूडिंग बैंक बी टोटल 16 बैंक से डिसाइड किए, 16 बैंक डिसाइड किए, जैसे सिटी बैंक आ गया, बैंक ऑफ अमेरिका आ गया, ऐसे करके मॉर्गन वाला आ गए, मतलब बड़े बड़े बैंक, बहुत बड़े बड़े नाम, ठीक है, 16 बैंक डिसाइड कर लिए। अब 16 के 16 बैंक से मैंने ये सारे जो रेट्स हैं वो पता किए, ठीक है। तो फिर मैंने क्या किया, जैसे ये बैंक ए है, बैंक बी है, सी डी ई एफ, ऐसे कर करके 16 बैंक्स हैं, हर एक ने रेट ऑफ इंटरेस्ट बताए, हर एक ने रेट ऑफ इंटरेस्ट बताए अपने अपने, ठीक है। तो जैसे मैं एग्जांपल के लिए 6 महीने वाला उठा लेता हूँ, जैसे ए ने बताया 1%, बी ने बताया 1.1%, सी ने बताया 2%, डी ने बताया 1.25%, इस तरह से हर एक रेट की, मेरे पास हर एक रेट की 16 कोटेशंस आ जाएंगी, हर एक रेट की 16। जैसे ये ओवरनाइट रेट है तो मैंने ओवरनाइट मतलब एक दिन के लिए अगर बोरो करना हो तो मैंने 16 बैंकों से पूछा तो 16 रेट्स आ गए मेरे पास, 16 बैंक ने 16 रेट्स बता दिए मुझे, तो मैं इसमें से 25% पोर्शन अपर वाला, 25% पोर्शन लोअर वाला, यानी कि 25% कितना हो गया, 4 बैंक्स अपर वाले, 4 बैंक्स लोअर वाले, 4 बैंक्स अपर वाले, 4 बैंक्स लोअर वाले, यानी कि जिन 4 बैंकों ने सबसे ज्यादा रेट ऑफ इंटरेस्ट बताया और जिन 4 बैंकों ने सबसे कम वाला रेट ऑफ इंटरेस्ट बताया उनको मैं इग्नोर कर दूंगा, 16 में से यानी कि 8 मैंने इग्नोर कर दिए,
आठ मैंने इग्नोर कर दिए, कौन से वाले, जो टॉप फोर और लोएस्ट फोर, और जो बाकी एट बचे, जो बैलेंस एट बचे, बैलेंस एट जो बच गए उनकी मैंने एक एवरेज कंप्यूट कर ली, उनकी मैंने एक एवरेज कंप्यूट कर ली, उस एवरेज को कंप्यूट करके जो रिजल्ट निकल के आया दैट इज माई ओवरनाइट रेट जो मैं अपने वेबसाइट पे लिस्ट कर दूंगा। सिमिलरली टू ओवरनाइट ये प्रैक्टिस मैं इन अलग अलग मेच्योरिटीज की डेट्स के लिए करूंगा और एक सेवन डिफरेंट जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो निकालूंगा। ये एक्सरसाइज मैं करूंगा डेली, ये एक्सरसाइज होगी डेली बेसिस पे, और डेली बेसिस पे होनी है। और ये जो लंदन का टाइम चलता है, लंदन के टाइम में ये दोपहर को पौने 11 से पहले पहले रिजल्ट्स पब्लिश हो जाते हैं। तो ये एक लंदन इंटरबैंक रेट होता है कि जो बैंक्स आपस में, देखिए इसमें एक चीज है जो आप शायद आपने पकड़ी भी होगी कि करना चाहेंगे कि कितना रेट ऑफ इंटरेस्ट आप पे करना चाहेंगे, पे किया या नहीं कि एक्चुअल वो बात नहीं है, कितना चाहेंगे। तो इसमें एक लूप होल आपको दिख रहा है कि कुछ गलती है कि यार ये तो कोई करना चाहेंगे कि क्या मतलब हुआ, करना चाहेंगे तो मतलब एक तो फील हो गया ये तो कि हाँ मैं क्या फील कर रहा हूँ, फील तो मैं कुछ भी कर सकता हूँ, मैं कुछ भी बोल सकता हूँ ऐसे तो, ठीक है ना, एक्चुअल चल क्या रहा है वो तो नहीं बोल रहे ना इसमें, तो यही इसमें लाइब्रो में खामी है सबसे बड़ी, ठीक है। तो ये चीज हो गई आपको क्लियर कि लाइब्रो इस तरह से डिसाइड होता है। तो देखिए थोड़ा बहुत पढ़ते हैं इसके बारे में। तो जो लाइबर होता है ये एक बेंचमार्क रेट है जो फॉरेन करेंसी के लोन्स है उनके लिए, जो मेनी कंट्रीज इस चीज को लास्ट 40 इयर्स से फॉलो कर रही हैं। ये सिंस 1980 ये चल रहा है लाइबर, वैसे तो 1970s से बैकग्राउंड है बट 1986 से इसको ऑफिशियलाइज ज्यादा कर दिया गया। अब मैंने इसमें लिखा मेनी कंट्रीज, अब ये जरूरी नहीं है कि सारी कंट्रीज फॉलो करें इसको, लाइबर एक बेंचमार्क है, जैसे आरबीआई ने रेपो रेट बोला, ट्रेजरी बिल बोला कि आप कोई भी बेंचमार्क बना लीजिए, एमसीएलआर बना लीजिए बेंचमार्क, तो ये भी एक बेंचमार्क है। बेंचमार्क क्या होता है, एक गाइडेंस है आपके लिए कि आप इसको बेस बना के चलिए, ठीक है। तो आप इसके अलावा कुछ और भी बेस बना सकते हैं, कोई ऐसे कोई मैंडेट नहीं है, पर क्योंकि वर्ल्ड इसको ज्यादा फॉलो कर रहा है, हर एक कंट्री नहीं फॉलो कर रही, ज्यादा फॉलो इसको कर रहा है, तो फिर इंडिया वाले भी मान लेते हैं कि हम भी क्यों दुनिया से अलग होकर चले, क्योंकि हम तो अभी भी विकासशील देश है तो हम और क्यों पंगा पड़े, हम भी लाइबर को ही फॉलो करते हैं क्योंकि मैक्सिमम कंट्रीज इसको फॉलो कर रही हैं। तो 1980 से इसका है चल रहा, ठीक है। तो डेली कैलकुलेट होता है और 11:30 से 12 बजे के अराउंड जो लंदन का बेस्ड का टाइम है उसके अकॉर्डिंग ये पब्लिश होता है। अब जो मैंने लास्ट एग्जांपल ली थी उसके अंदर मैंने बोला था ना आपको कि अंकुश ने पूछा, यानी मैंने पूछा, अभी अंकुश थोड़ी पूछता है वहां पे कौन पूछता है, वहां पे इंटरकॉन्टिनेंटल एक्सचेंज आईसीई, ये एक बॉडी बनाई हुई है जो रेगुलेटर है काइंड ऑफ, वैसे तो आईबीए बोलते हैं उसको, इंटरकॉन्टिनेंटल एक्सचेंज बैंकिंग एसोसिएशन, इस तरह से आईबीए है, तो वो रेगुलेट करती है इसको, वो इसके बारे में पूछती है, पता करती है और इसको पब्लिश करती है आईसीई, ठीक है। तो जो ये रेट्स है तो आपको सेवन रेट्स आपके पास निकल के आते हैं, यहाँ पे सेवन रेट्स निकल के आते हैं अलग अलग मेच्योरिटी के, ठीक है। तो ये जो सेवन रेट्स हैं ये पांच करेंसीज के निकालते हैं हम लोग। अब जैसे मैंने बैंक ऑफ अमेरिका से मैं मान लो आईसीई हूँ इंटरकॉन्टिनेंटल एक्सचेंज, तो मैंने बैंक ऑफ अमेरिका से पूछा कि अगर आपको अमेरिकन डॉलर्स में लोन लेना पड़े एक दिन के लिए तो आप कितना रेट ऑफ इंटरेस्ट देना चाहोगे। इस तरह से मैंने 16 बैंकों से यूएस डॉलर्स के बारे में पूछा और 16 बैंक्स का चार चार हटा के एवरेज निकाल ली और एक ओवरनाइट रेट मेरे पास यूएसडी का आ गया। इसी तरह से यूएसडी का 1 वीक का रेट आ गया, 1 मंथ का आ गया, 2 मंथ्स का आ गया, 3 मंथ्स का आ गया, 6 मंथ्स का आ गया, 12 मंथ्स का आ गया, ये एक यूएस डॉलर का आ गया अगर यूएस डॉलर्स में करते हैं तो सिमिलरली पांच करेंसीज को मैंने डिसाइड किया कि मैंने फिर उनसे पूछा आप पाउंड का भी बताओ, आप यूरोज का भी बताओ, आप जैपनीज येन का भी बताओ, आप स्विस फ्रैंक्स का भी बताओ, आप पांच करेंसीज के मेरे को रेट्स बताओ, सेवन डिफरेंट रेट्स। तो मैं इन पांच करेंसीज के सात रेट पूछूंगा उनसे, तो टोटल 35 जो टोटल 35 रेट्स हैं वो अपने पास कैलकुलेट होके आएंगे सारे वर्किंग्स के बाद। जब ये 1980s के बाद जब ये शुरू हुआ था ना लाइबो, तो तब इन पांचों करेंसीज के अलावा और करेंसीज भी होती थी, बट आज की डेट में कम हो के ये पांच करेंसीज ही रह गई हैं, और इसके में जो है ये सेवन
डिफरेंट टाइम्स के लिए ये रेट ऑफ इंटरेस्ट पूछा जाता है और ये डेली पूछा जाता है और डेली ये पब्लिश होता है। 35 रेट्स कैलकुलेट इसके अंदर किए जाते हैं, राइट। तो जो लंडन जो लाइबर हो गया, जो लाइबर था ये जब 1980s में जब ये इसको फॉर्मलाइज कर लिया गया, जब इसको शुरू किया, तो तब इसको कौन कंट्रोल करता था? ब्रिटिश बैंकिंग एसोसिएशन BBA। ब्रिटिश बैंकिंग एसोसिएशन इसको रेगुलेट करती थी, कंट्रोल करती थी, सब कुछ ये चल रहा था बड़े टाइम से 1980s से। जब 2007-8 की मार्केट की मंदी आई तब लाइबर के अंदर लूपहोल पता लगा। लूपहोल क्या पता लगा? आपने सही गेस किया कि करना चाहेंगे, कितना रेट ऑफ इंटरेस्ट आप पे करना चाहेंगे, ये आपका मूड पूछ रहे थे, एक्चुअल ट्रांजैक्शंस नहीं पूछ रहे थे, ठीक है। तो बैंक्स ने क्या किया, अपने फायदे के हिसाब से इसको मोल्ड करना शुरू कर दिया, क्योंकि ये जो 18 बैंक्स हैं इनको तो पता ही है कि हमसे पूछा जाता है, यानी सॉरी जो 16 बैंक्स हैं, इन 16 भी 18 में कई जगह 18 लिखा होता है, जो 16 बैंक्स हैं इनको तो पता ही है कि हमसे पूछा जाता है। इन 16 बैंक्स ने अपनी आपस में यूनिटी कर ली। अब मान लीजिए जब 16 बैंक्स को पैसा चाहिए, इनको पैसे की जरूरत है खुद, तो ये जो BBA को, ब्रिटिश बैंकिंग एसोसिएशन को लोअर रेट ऑफ इंटरेस्ट कोट कर देते थे, और वो लोअर रेट ऑफ इंटरेस्ट मार्केट में पब्लिश हो जाता था और इनको सस्ते रेट ऑफ इंटरेस्ट पे लोन मिल जाता था, ठीक है। अब ये 16 के 16 बैंकों ने सांठगांठ नहीं की थी, कुछ बड़े बड़े बैंकों ने की थी। अब जब इनको पैसा, इनके पास एक्सेस पड़ा होता था, जब इनको मार्केट में देना होता था पैसा लोगों को, तब ये हायर रेट ऑफ इंटरेस्ट कोट कर देते थे, हायर ROI कोट कर देते थे, तो फिर ये पब्लिश ज्यादा महंगे हो जाते थे, तो इनको मार्केट से ब्याज ज्यादा मिलता था जब ये लोन देते थे। तो इस तरह से इन्होंने गड़बड़ी करनी शुरू कर दी, तो ये गड़बड़ी हुई, तो इसका रिजल्ट निकला, तो बाद में समझ में आ गया कि ये वाकई में ये गड़बड़ी एग्जिस्ट कर रही है इसके अंदर। तो फिर ये BBA से ये सारा कार्यभार वापस ले लिया गया और इंटरकॉन्टिनेंटल एक्सचेंज जो है ICE या जो IBA जिसका मतलब मेन बॉडी है वो जो कंट्रोल करती है, उसके हाथ में ये कंट्रोल उसके बाद दे दिया गया। 2014 के अराउंड की बात है शायद ये, जब ये कंट्रोल दिया गया, ठीक है। तो 2014 के बाद इसका ये सिनेरियो चेंज हो गया हल्का सा, इसके अंदर कमियां पेशियां सामने आने लग गई लंडन इंटरबैंक ऑफर रेट के की, ठीक है। अब जैसे लाइबोर है ना, लंडन इंटरबैंक ऑफर रेट, इस तरह से और भी इसी तरह के मिलते जुलते बेंचमार्क भी है। जैसे यूरोप जो है उसके पास है यूरोपियन बेंचमार्क इंटरबैंक ऑफर रेट यूरिबोर, ये यूरोप के पास है। जापान हैज टोक्यो इंटरबैंक ऑफर रेट टाइबोर, चाइना हैज शंघाई इंटरबैंक ऑफर रेट शाइबोर, इंडिया हैज मुंबई इंटरबैंक ऑफर रेट माइबोर। तो हर एक बैंक के पास अलग अलग अपने, हर एक कंट्री के पास, ऐसे काफी कंट्रीज के पास अपने अलग अलग बेंचमार्क्स भी हैं, बट मेजॉरिटी ऑफ द कंट्रीज इंक्लूडिंग इंडिया दे डोंट फॉलो देयर ओन बेंचमार्क रेट्स, दे फॉलो एक्सटर्नल बेंचमार्क रेट्स। तो उसमें से भी वो किसको फॉलो कर रहे हैं? लाइबोर को फॉलो कर रहे हैं। तो देखिए जब से लाइबोर के बारे में कमियां सामने निकल के आई हैं, तो उसी टाइम से जब उसका कार्यभार ICE को दे दिया गया, तो जब कंट्रीज की इसके ऊपर, इसके बाद इसकी रिलायंस खत्म होनी शुरू हो गई कंट्रीज कह रहे हैं कि अब हम इसके ऊपर रिलाय नहीं कर पा रहे हैं, हम इसको ट्रस्ट नहीं कर पा रहे हैं, तो हमने इसको अब फेज आउट करना है। तो 2-3 साल पहले जो ICE है, जो इसकी कंट्रोलिंग बॉडी है, दो तीन साल पहले उसने अनाउंस कर दिया कि जो ये लाइबोर है ये अब फेज आउट हो रहा है, ये बंद हो रहा है। कैसे बंद? कहते फेजेस में बंद कर रहे हैं इसको। कहते सारी करेंसीज एक्सेप्ट US डॉलर्स विल बी आउट आफ्टर 31 दिसंबर 2021 के बाद जो सारी करेंसीज हैं US डॉलर्स को छोड़ के, जो ये सारी करेंसीज हैं इनकी हम कोटेशंस ऑनलाइन देना बंद कर देंगे कि क्या रेट ऑफ इंटरेस्ट चल रहा है। ये सारी करेंसीज 31 दिसंबर 2021 के बाद बंद हो जाएंगी, ये ICE ने अनाउंस कर दिया। जो US फिर बचेगा क्या 31 दिसंबर 2021 के बाद? बचेगा US डॉलर्स, उसकी कितनी कोटेशंस हैं? 7 कोटेशंस हैं। तो उसके बारे में उन्होंने बोला कि जो ये 7 कोटेशंस हैं उनमें से जो एक हफ्ते वाली कोटेशन है और जो 2 महीने वाली कोटेशन है ये भी हम 31 दिसंबर 2021 के बाद बंद कर देंगे। जो 31 दिसंबर 2021 के बाद जो US डॉलर बचेगा इसकी एक हफ्ते वाली कोटेशन भी
और ये 2 महीने वाली कोटेशन ये हम लेना बंद कर देंगे, ये हम बताना बंद कर देंगे आफ्टर 31 दिसंबर 2021। तो कितनी बचेंगी अपने पास, 5 बचेंगी, ये 5 कोटेशंस बचेंगी। तो वो जो 5 कोटेशंस बचेंगी वो कह रहे हैं कि वो चलेंगी जून 2023 तक, ये चलेंगी जून 2023 तक, और जून 2023 के बाद इनको भी हम बंद कर देंगे। और एक्सपेक्टेड है कि जून 2023 के बाद जो अपना लाइबोर है वो पूरी तरह से शट डाउन हो जाएगा। अब देखिए ट्रिलियन ऑफ डॉलर्स ऑफ ट्रांजैक्शंस जो है लाइबोर के ऊपर पेंडिंग खड़ी है सिस्टम के अंदर, तो जब लाइबोर ऐसे शट डाउन होएगा तो देखिए कितनी भसड़ बचेगी, कितना पंगा बचेगा कि सब बैंक्स को अब लाइबोर की जगह अल्टरनेटिव रेट ऑफ इंटरेस्ट ढूंढना पड़ेगा। आरबीआई ने भी एक नोटिफिकेशन जारी करके जुलाई के महीने में अपने इंडियन बैंक्स को ये जारी कर दिया कि भाई आप अपना एक अल्टरनेटिव बेंचमार्क रेट जो है फॉरेन करेंसी की ट्रांजेक्शन के लिए ये जल्दी से जल्दी ढूंढ लें, क्योंकि जो लाइबोर है इसकी खत्म होने की डेट्स नजदीक आ रही है। ठीक है, तो अब इसका अल्टरनेटिव्स भी अलग अलग निकल के आ रहे हैं। अब जैसे यूके है, अमेरिका है, वो कह रहा है कि जो जो डॉलर्स की ट्रांजेक्शंस होंगी जो यूएस डॉलर्स की, उसके लिए हम कहते हैं मे बी हम सॉफर को फॉलो करें। सॉफर क्या है, सिक्योर्ड ओवरनाइट फाइनेंसिंग रेट, सिक्योर्ड ओवरनाइट फाइनेंसिंग रेट, ये अभी भी चल रहा है, ये एग्जिस्ट कर रहा है मार्केट के अंदर, बट इसके अंदर अभी सिर्फ यूएस डॉलर्स के अंदर ही ये बताता है, और ये सिर्फ ओवरनाइट ही बताता है, यानी कि एक दिन का ही, कि इसके अंदर जो सॉफर है ये अभी सिर्फ ओवरनाइट का ही कोटेशन देता है और सिर्फ यूएस डॉलर्स की ही देता है, बाकी किसी करेंसी की नहीं देता। तो जो यूके है वो डॉलर्स की ट्रांजेक्शन के लिए मे बी सॉफर को यूज करना शुरू कर दे। अब सॉफर में जो है वो लाइबोर वाला कमियां नहीं है, इसके अंदर जो बैंक्स से ये नहीं पूछा जाता कि आप क्या चाहते हैं रेट ऑफ इंटरेस्ट पे करना, इसके अंदर वो ट्रांजेक्शन बेस्ड डिसीजन है कि जो रेट ऑफ इंटरेस्ट पे एक्चुअल ट्रांजेक्शन हुई है उनके बेस के ऊपर ये रेट निकाला जाता है सिक्योर्ड ओवरनाइट फाइनेंसिंग रेट के अंदर। तो हेंस ज्यादा ट्रस्ट वर्थी है क्योंकि रिकॉर्ड है, एक बुक बनी हुई है, एक रिकॉर्ड बना हुआ है ट्रांजेक्शंस का जिसके बेसिस पे ये निकाला जाता है। ये सिर्फ एक थ्योरेटिकल बात नहीं है, मूड की बात नहीं है। यूके कह रहा है कि अगर कोई स्टर्लिंग पाउंड की ट्रांजेक्शन होगी देन वी मे फॉलो स्टर्लिंग ओवरनाइट इंडेक्स एवरेज रेट, स्टर्लिंग ओवरनाइट इंडेक्स एवरेज रेट सोनिया जिसको बोलते हैं। यूरोपियन वाले कह रहे हैं कि वी मे फॉलो कि हम शायद यूरो ओवरनाइट इंडेक्स एवरेज इओनिया ये शायद हम फॉलो करें। जापान कह रहा है कि मे बी हम टोक्यो ओवरनाइट एवरेज रेट फॉलो करें, टोनार फॉलो करें। अब इंडिया का भी पता नहीं है, इंडिया भी डिसाइड कर रहा है कि उसने क्या करना है क्या नहीं करना, पर ये देखना बड़ा इंटरेस्टिंग होगा कि इंडिया आगे चल के इस चीज के बारे में क्या डिसीजन लेता है, क्या डिसाइड करता है। और मोस्ट लाइकली जो मुझे समझ में आ रहा है कि जो यूके एंड यूएस जो फॉलो करने वाले हैं, इंडिया की नजर होगी कि वो क्या चीज फॉलो करने वाले हैं और उसी के ऊपर ही वो भी अपना जो है रेट ऑफ इंटरेस्ट बेस्ड रखेगा। और हो सकता है कि वो भी अगर उन्होंने सॉफर के बारे में डिसाइड किया तो शायद वो सॉफर को ही फॉलो करें, राइट। तो ये चीज का आपको ध्यान में रखना है। अभी मैं आपको अगर मेरा मैं एक बार चेक कर लेता हूँ अगर इंटरनेट चल रहा है तो मैं आपको दिखाना चाहूंगा आरबीआई की नोटिफिकेशन, लाइबोर आरबीआई नोटिस, नेट थोड़ा स्लो है। ये देखिए रोड मैप फॉर लाइबोर ट्रांजिशन आरबीआई की वेबसाइट है, आरबीआई ने नोटिस जारी किया था 8 जुलाई 2021 को। ये देखिए ये 280 KB का पीडीएफ नोट आप डाउनलोड करके पढ़ सकते हैं। तो इसके अंदर देखिए पूरा रोड मैप आरबीआई ने लिखा कि ये जो लाइबोर है वो फेज आउट हो रहा है, जो 1 हफ्ते या 2 महीने वाले यूएस है वो भी बंद हो रहे हैं, 23 के बाद बंद हो जाएगा। तो बैंक्स को हिदायत दी जाती है कि वो जल्दी से जल्दी अपने जो नए बेंचमार्क रेट्स हैं वो डिसाइड कर लें कि किसके ऊपर बेस करना है। वो कह रहे हैं कि माइफोर को यूज नहीं करना, मुंबई इंटरबैंक फॉरवर्ड आउटराइट रेट जो एफबीआई पुश कर रहा है कि, तो इस तरह से मतलब आरबीआई ने अपनी नोटिफिकेशन जारी की है, इसके बारे में आप पढ़ सकते हैं डिटेल में जाके।
तो फर्दर मैं आपको जैसे लाइबर रेट मैंने आपको बताया था कि 5 करेंसीज में होते हैं और 7 डिफरेंट टाइमलाइंस के होते हैं, वो मैं आपको दिखा देता हूँ कि लाइबर रेट कैसे दिखते हैं, व्यू कैसे होते हैं। सेवन डिफरेंट टाइमलाइंस के ऊपर जो 5 करेंसीज हैं उनके जो डिफरेंट रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो लाइबोर के बताए जाते हैं। तो ये देखिए एक वेबसाइट है globalrates.com, इसके ऊपर मैं आपको दिखाता हूँ कि ये लाइबोर रेट्स जो मैं आपको समझा रहा था कि डिफरेंट डिफरेंट टाइमलाइंस के 5 करेंसीज के जो हैं वो कैसे व्यू होते हैं, कैसे हमारे पास नजर आते हैं। यहाँ पे देखिए 2 मिनट मेरा भी नेट, हाँ ये, अब ये देखिए, अब ये देखिए ऊपर 5 करेंसीज लिखी हुई हैं, यूरो, यूएस डॉलर्स, ग्रेट ब्रिटेन पाउंड, जेपनीज येन, अपना ये जो है जो स्विस फ्रैंक्स अपनी करेंसी है। अब ये देखिए ओवरनाइट रेट आ गया, ये 1 वीक वाला रेट आ गया यूरो का, ठीक है, ये 1 मंथ का आ गया, 2 मंथ्स का आ गया, 3 मंथ्स का आ गया, 6 मंथ्स का आ गया और 12 मंथ्स का आ गया। तो ये 1 2 3 4 5 6 7 डिफरेंट टाइमलाइंस आ गई यूरो की, ठीक है। अगर आप यूएसडी पे क्लिक करेंगे तो सिमिलरली आपकी जो कोटेशन है वो यूएसडी की आ जाएगी, तो सिमिलर कोटेशन आपकी यूएसडी की आ गई। तो देखिए आप देखिए 6 महीने का जो लाइबोर है वो 0.15 475% चल रहा है। देखिए कितना सस्ता रेट ऑफ इंटरेस्ट होता है लाइबोर का, कितना सस्ता रेट ऑफ इंटरेस्ट होता है लाइबोर का। इसी वजह से जो आपको फॉरेन करेंसी के लोन्स है बैंक से, जो फॉरेन करेंसी की बोरिंग्स है, वो आपको हार्डली 2 से 3% रेट ऑफ इंटरेस्ट के ऊपर मिल जाती है, क्योंकि लाइबोर के ऊपर जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो हो गया, प्लस बैंक्स अपना कुछ स्प्रेड चार्ज करते हैं अपनी ऑपरेटिंग कॉस्ट को ऐड प्लस माइनस करने के बाद, उसके बाद जो मुश्किल से रेट ऑफ इंटरेस्ट आपका 2 3 4% के करीब निकल जाता है। और वही आप डोमेस्टिक मार्केट में इंडियन करेंसी में जब बोरो करते हैं तो आपको 8 9% ब्याज पड़ता है। तो इसी वजह से जो एक्सपोर्टर्स लोग होते हैं उनको फॉरेन करेंसी में बोरिंग्स को इनकरेज किया जाता है लेने के लिए। तो आई होप आपको जो इंटरेस्ट रेट का जो फंडा है वो पूरा डिटेल में क्लियर होगा रहेगा। मैंने अपनी तरफ से काफ़ी कोशिश की है उसको पूरा इनडेप्थ समझाने की, पूरी डिटेलिंग में समझाने की। तो आप बने रहिए इसके साथ, अब हम नेक्स्ट इस लेक्चर को आज फिनिश करने जा रहे हैं। होप आपने इन्जॉय किया होगा, जरूर देखिए इस लेक्चर को एंड तक देखें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाएँ। शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच।